हाय गाइस, वेलकम टू ट्रैवलिंग मंचीज। आज बिरयानी डे है। अभी तक हम लोगों ने आपको ज्यादातर हैदराबाद स्टाइल ऑफ बिरयानी दिखाई है, लेकिन आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगी कोलकाता स्टाइल बिरयानी, और वो कैसे दूसरी बिरयानियों से अलग है उसको जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एज यूजुअल हमने दो तरीके की बिरयानी मंगवाई है, एक वेज बिरयानी, एक नॉन वेज बिरयानी, और साथ में कुछ और चीजें भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जहाँ से खाना मंगा रहे हैं, इस प्लेस का नाम है कलकत्ता बिरयानी क्लब। इनके नाम में ही बिरयानी है। वैसे तो इनके मेन्यू में काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट आज बिरयानी का मन है तो हम लोगों ने तो बिरयानी ही ऑर्डर करी है, और साथ में फिरनी। श्रेय, मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी है। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, देखते हैं कितनी देर में आती है। पैकेजिंग कैसी है? अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी की है भाई। क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही नहीं है श्रेय, देखते हैं। और साथ में ना कटलरी और ये भी दिए, नैपकिन्स भी। आज ना अपन नॉन वेज से स्टार्ट करते हैं, हर बार तो वेज से ही स्टार्ट होता है ना। आज हम श्रेय को मौका देते हैं गरम गरम खाने का। तो खाना हमारा आ गया है, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या ऑर्डर किया था। मेरे लिए हमने ऑर्डर करी है ये मटन बिरयानी, निशु के लिए ऑर्डर करी है पनीर टिक्का बिरयानी, और साथ में मैंने ऑर्डर किया था ये चिकन चाप। ये हल्की सी थोड़ी सी सेमी ग्रेवी टाइप की होती है, और मैं इसके साथ पराठा ऑर्डर करना चाहता था जो मैं भूल गया हूँ अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर करना, बट चलिए कोई बात नहीं, बिरयानी के साथ टेस्ट करके देखेंगे। और दोनों बिरयानियों के साथ आया था रायता। उसके अलावा हमने ऑर्डर करी थी फिरनी। तो अब स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी में आया है एक बहुत बड़ा पीस मटन का, काफ़ी बड़ा लग रहा है, आराम से 200 ग्राम का तो हो गई होगा, और साथ में एक बहुत बड़ा आलू और एक अंडा, और इस बिरयानी की कॉस्ट है 450 रुपीज़। वाह, क्या लाजवाब बिरयानी बनी है भाई। इस बिरयानी के सारे एलिमेंट्स मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मटन तो आपने देखा ही होगा कि कैसा हड्डी छोड़ दिया, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम अंदर से गुलाबी बना हुआ है, मुंह में जाके घुल रहा है, और चावल के साथ तो एकदम सही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद आती है बारी आलू की। ये वो आलू नहीं है जिसको हम और आप जानते हैं, जो हमारी सब्जियों में डलता है। ये बिरयानी में गया और फिर इसने सारे मटन की जूसेस को सोक कर लिया, मसालों को सोक कर लिया, और एकदम रिच हो गया है। असल में अगर आप मुझसे पूछोगे तो इस बिरयानी की सबसे प्यारी चीज़ मुझे क्या लगी, तो मैं कहूँगा आलू है। वाह, क्या एकदम मुलायम मखमली टेक्सचर प्रोवाइड कर रहा है ना ये बिरयानी को, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये बिरयानी इस आलू के बिना बिरयानी रहेगी ही नहीं, और सही मायने में अगर आप किसी भी बंगाली से पूछोगे तो आपको बताएगा कि उनके बिरयानी की, कोलकाता स्टाइल बिरयानी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है उनका आलू। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे तो बहुत ही लाइट और सटल बिरयानी है, इसमें रिचनेस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आप पे हावी नहीं हो रही है रिचनेस, और इसीलिए साथ में अंडा दिया हुआ है कि अगर आपको रिचनेस बढ़ानी हो तो ये थोड़ा सा अंडा मिलाइए और उसके साथ खाइए। ओहो, मैं आपको बता नहीं सकता कि हर चीज़ इसमें एक कारण से डाली गई है और वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है। ये मेरी अभी तक की सबसे फेवरेट स्टाइल ऑफ बिरयानी हो गई है, कोलकाता स्टाइल बिरयानी। इट्स अ वेरी एरोमेटिक बिरयानी, इसमें केवड़ा वाटर, रोज वाटर और सैफरन की खुशबू आ रही है, लेकिन वो खुशबू ओवरपावरिंग नहीं है, वो भी काफ़ी सटल है, मसालों की तरह खुशबू भी सटल है। ये तभी आएगी जब आप बाइट बना के इसको अपने मुंह के पास लेके आओगे, तो इसकी खुशबू से जो आपका बाइट है ना वो उसका फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअली नॉट अ बिरयानी, इट इज़ अ पीस ऑफ आर्ट। बहुत पसंद आई मुझे। मैंने आपको पहले बोला था ना कि काफ़ी सटल बिरयानी है, उसका मतलब ये भी है कि इसमें स्पाइस लेवल ना काफ़ी कम है, इसको कोई भी खा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें फ्लेवर्स की कमी है। आप देखोगे कि इसके साथ सलान प्रोवाइड नहीं किया गया है, और सही महीने में उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं अपना पराठा ऑर्डर करना भूल गया था अपनी चाप के लिए, तो मैं चाप चावल के साथ ही खा के देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि चाप कैसी है। पहले थोड़ा सा ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग यार, ये काफ़ी रिच है, काफ़ी सटल मसाले हैं, रिचनेस बहुत ज़्यादा है। वो होते हैं ना मेलन सीड्स, उसका काफ़ी अच्छा स्वाद आ रहा है। जो चिकन चाप होता है ना वो एक स्लो कुक्ड चिकन होता है, जो एकदम बहुत रिच ग्रेवी या तो काजू की या मेलन सीड्स की ग्रेवी के साथ देर तक पकाया जाता है। इसमें ग्रेवी की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इन इटसेल्फ इट इज़ वेरी रिच। आई कैन अंडरस्टैंड कि पराठे के साथ तो अच्छा लगता ही लगता, बिरयानी राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगा मुझे।
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो नॉनवेज से तो मैं काफ़ी खुश हूँ, अब देखते हैं कि निशु की वेज बिरयानी कैसी आई है। तो वेज में भी ना इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और एग वाली बिरयानी भी है, बट आज मैंने अपने लिए ना पनीर टिक्का बिरयानी ऑर्डर करी थी क्योंकि ये वाला ऑप्शन ना काफ़ी कम ही देखा है। एक्चुअली मैं पहली बार ही खाऊंगी पनीर टिक्का बिरयानी। इस बिरयानी में ना काफ़ी बड़े बड़े पनीर टिक्का के 4 पीसेज हैं, थोड़ा प्याज और टमाटर है और काफ़ी ज़्यादा राइस है। श्रेय की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा सादगी वाली लग रही थी, ये काफ़ी मसाले वाली लग रही है। वेज बिरयानी की कॉस्ट है अराउंड 285 रुपीज़। मेन तो टेस्ट मैटर करता है ना, खा के बताती हूँ कि कैसी है। इस बिरयानी के ना 2 एलिमेंट है, राइस और पनीर टिक्का। पहले बात करते हैं पनीर टिक्के की। पनीर टिक्का जो पनीर है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है और मसालों का अच्छा स्वाद है। इस पनीर टिक्के को ना उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जो जिससे वो बिरयानी में जा सके। इसमें मस्टर्ड ऑयल थोड़ा कम डाला है लेकिन वो हैवी किक नहीं दे रहा जो पनीर टिक्के में आती है। अब आती है राइस की बात। काफ़ी सटल फ्लेवर है, जैसे कि श्रेय ने आपको मटन बिरयानी में बताया था वो ही सेम उन्होंने वेज बिरयानी में भी इम्प्लीमेंट किया है। टेस्ट में काफ़ी सटलनेस है राइस में, खूब मसाला मसाला नहीं लग रहा खाने में। ऑन एंड ऑल ये बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं इस बिरयानी को रिकमेंड करूँगी फॉर वेजिटेरियन पीपल। बस एक ही चीज़ की कमी लगी मुझे, वो था आलू। वो मटन बिरयानी में था, वेज वाली बिरयानी में नहीं था, और कोलकाता बिरयानी आलू के बिना अधूरी होती है, तो वो भी होता तो मज़ा ही आ जाता। आज वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी दोनों से हम दोनों ही सेटिस्फाई हो गए हैं। अब बारी आई है स्वीट डिश खाने की और आज हमने स्वीट डिश में मंगाया था फिर नहीं, ये बॉक्स में आई है और ये 100 रुपीज़ का बॉक्स है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी है, देखिए गिर नहीं रही। क्या टेस्ट है भाई, गजब की बनी है। फिर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, रिच है और ज़्यादा मीठी नहीं है। खाते ही हल्का सा केसर का फ्लेवर आ रहा है और आपका एलमंड, ये तो एकदम प्रोमिनेंट आ रहा है खाने में। परफेक्ट डिश। पहले मुझे लग रहा था 100 रुपीज़ के हिसाब से ये थोड़ी सी कम है, लेकिन यार टेस्ट जैसी खाया ना समझ में आ गया कि क्यों ये 100 रुपीज़ की है। क्वांटिटी कम है लेकिन टेस्ट कमाल है, और आई गेस एक पर्सन के लिए ना ये इतनी इनफ है, इससे ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए ना। कलकत्ता बिरयानी क्लब का खाना तो लाजवाब निकला। हमने जितनी भी चीज़ें मंगाई थी ना सारी टेस्टी थी। तो अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ से एक बार बिरयानी ज़रूर ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आपको स्पाइसी बिरयानी पसंद हो, लेकिन ये बिरयानी इट इज़ एक्चुअली वर्थ अ ट्राई एटलीस्ट। बस आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलने को था ही नहीं, हमारे रिएक्शन से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, तभी हम आपके साथ नई नई लोकेशन शेयर कर पाएंगे। बस बाय बाय, टेक केयर। काफी दिनों से हमने आपको आगे बढ़ी रखना, और वो कैसे बाकी बिरयानियों से अलग है उसको आप। तो आज हम जहाँ से खाना मंगा रहे हैं ना उस प्लेस का नाम है कोलकाता। आ गया था मेरे से दोबारा, कट कर दो। इसकी जो बिरयानी का राइस है वो बासमती राइस है, एकदम हल्का है।